देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन की भी खबरें सामने आई हैं। कई स्थानों पर हिंसा को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। इसका नुकसान इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों को भी उठाना पड़ा। सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग 3 को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसको लेकर अब लीड फीमेल एक्टर सोनाक्षी सिन्हा का बयान सामने आया है। सोनाक्षी सिन्हा ने इसको लेकर कहा है कि CA को लेकर वो हो रहे देश भर में विरोध प्रदर्शन दबंग 3 के ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, हम जानते हैं पूरे देश में क्या चल रहा है। CA प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए सोनाक्षी ने कहा, मुझे लगता है कि लोग जानते हैं कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपनी फिल्म को लेकर दर्शकों के रिस्पॉन्स से काफी खुश हूँ। इस समय पूरा देश इस मामले में CA प्रोटेस्ट को लेकर एक साथ आया है। ये एक फिल्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 20 दिसंबर को रिलीज हुई दबंग 3 ने करीब 24 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया। इसके अलावा फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में करीब 80 करोड़ का बिजनेस किया। देखा जाए तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सलमान खान के स्टारडम के चलते जो उम्मीद लगाई जा रही थी दबंग 3, उस पर खरी नहीं उतर पाई। पिछले 6 सालों में दबंग 3 सलमान खान की दूसरी सबसे खराब ओपनिंग फिल्म मानी जा रही है। इससे पहले ट्यूबलाइट को करीब 21 करोड़ ओपनिंग मिली थी। फिल्म के खराब ओपनिंग के पीछे CA को जिम्मेदार माना जा रहा है। उत्तर भारत में जहां सलमान खान के फैंस अधिक हैं, वहां CA प्रोटेस्ट की आंच देखी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि माहौल शांत होने के बाद फिल्म के बिजनेस तेजी के उछाल देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां अभी सोनाक्षी सिन्हा का ये बयान आया है कि वो जानती है कि सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। CA के आगे फिल्म अगर कम चल रही है तो वो ये समझती हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, और वो भी यही अपील करती हैं कि सरकार, मोदी सरकार, इस पे जल्द से जल्द ध्यान दे कि जनता क्या चाहती है। SPN9 न्यूज़ से नाजमिन की रिपोर्ट।